अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। पता नहीं आपको फील हो रहा है या नहीं, लेकिन जो है ना आज हवा चल रही है, देखें चिखें हिल रही हैं, फ्लेक्सें हिल रही हैं और धूप भी निकली हुई है और हवा भी चल रही है। अजीब सा मौसम है, रात को बारिश का माहौल बन गया था, इसलिए हमने सारी चिखें फ्लेक्सें नीचे कर दी थी टाइम से ही, पहले ही, ताकि हमारा जो है ना सेटअप भीगे ना। तो जल्दी से जो है ना सारी चिखें फ्लेक्सें उठा लेते हैं, उसके बाद जो है ना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे को। ये चेक करें जी, सारी फ्लेक्सें और चिखें हमने उठा ली हैं। आज जो है हम एक नेक काम करने लगे हैं, इनके जो बेबीज़ हैं इनके समेत इन सारे कबूतरों को हम इधर शिफ्ट करने वाले हैं और फिर एक ही केज में इधर ही इनको सारों को जो है ना वो दाना डालेंगे हम। शिफ्टिंग की रीज़न ये है कि ये जो है ना ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, मुल्तानी शराजी के और होमर और किंग के जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी बड़े हो गए और माँ बाप जो है ना इन्होंने दोबारा से अंडे दे देने थोड़ी देर में। तो इससे पहले कि ये दोबारा अंडे दें, मैं चाहता हूँ ये इस केज में चले जाएँ और अपना नया घर सेलेक्ट करें और वहाँ पर जाके अंडे दें एक ही बारी में। तो इनको जो है ना पकड़ के आज शिफ्ट करते हैं इधर, और ये जितने एग्स मेरे इनक्यूबेटर में हैच हुए हैं सारे मैं ले आया हूँ उनके छिलके ऊपर, और इनको जो है ना हम इस तरह पीस के ना अपनी मुर्गियों को खोल देंगे और फिर मुर्गियाँ जो है ना इंजॉय करेंगी छिलके अंडे के। कैल्शियम कंटेंट इसमें जो है अंडे के छिलकों में हाई होता है, बने कैल्शियम के होते हैं ये, तो ये जो है ना अंडे देने में मुर्गियों की हेल्प करेंगे। आपके पास अगर अंडों के छिलके ना हो तो बाज़ार से जो है वो ड्रॉप्स मिल जाते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन जो है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है, वो आप मुर्गियों के पानी में डाल के उनको पिला सकते हैं। अगर जो लोग जो है वो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको पता भी होगा कि मैं रेगुलरली तो नहीं लेकिन महीने में दो दफ़ा तो इनको जो है ना वो ड्रॉप्स लाजमी देता हूँ इनके पानी में, ताकि जो है ना हमारे बर्ड्स जो हैं सारे एक्टिव रहें और अच्छी अमाउंट में जो है ना वो एग्स देते रहें। ये चेक करें गाइस, हमारे मोर और दोनों मोरनियाँ से लाइन में बैठ के जो है ना धूप सेक रहे हैं चिखे ऊपर करने के बाद। अंडों को काफ़ी हद तक मैंने पीस दिया और इन मुर्गियों को हम खोल देते हैं ताकि ये ज़रा घूम फिर लें और अंडों के छिलके इंजॉय कर लें, ज़िंदगी जिए थोड़ी सी ये भी। चलो चलो दोबारा ताला लगा दिया, चेक करें इस मुर्गी का काम। भाई तुम दोनों का क्या सीन है, तुम दोनों का बाहर आने का दिल नहीं करता है, दिखाओ। हाँ भाई क्या चाहती हो, अंडे के छिलके खाओ भाई, अंडे के छिलके। ये देखें ये अपने बच्चे ढूंढने ही आ जाती है रोज, जब इसको खोलो फौरन इस केज के पास आ जाती है। ये ब्लैक सिल्की ने एक अंडा दिया है और एक अंडा हमारा ये देसी मुर्गियों की तरफ से है, ये खाने वाले अंडे हैं। अब जी हम करते हैं अपने कबूतरों की शिफ्टिंग, इनको पकड़ के जो है ना फिर छोड़ते हैं इधर वाले केजेस में, फिर पहले बड़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं फिर छोटे बच्चे तो आराम से पकड़ के तो छोड़ देंगे। सबसे पहले जी हमारे हाथ आया होमर का मेल और ये मुल्तानी शराबियों का जो है ना पिछले क्लच का बेबी, इनको यहाँ छोड़ते हैं, फिर उसके बाद अगला जोड़ा पकड़ते हैं कोई, उनको छोड़ेंगे ऐसे ऐसे ना। इनको सारों को मैं शिफ्ट करके ही आपको दिखाता हूँ। ले जी ये आखिरी मुल्तानी शराबी की फीमेल रह गई है, मुल्तानी शराबी का मेल, किंग की फीमेल और होमर की फीमेल, सबको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, सारे बड़े कबूतरों को बेसिकली ट्रांसफ़र कर दिया। तुम इधर क्या कर रही हो, चलो अपना जाओ खा पियो एंजॉय करो, मौसम एंजॉय करो, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। अब रह गए हैं जी हमारे फाइनली ये बेबीज,
इनको प्यार से उठाना और लेके जाना। फिर बॉक्स ही ले आते हैं हम उठा के बाइक से। हमारे पास ब्लैक बॉक्स है जैसे, इसमें आराम से डालते हैं सब बेबीज को और फिर एक ही बारी जो है ना सबको शिफ्ट करते हैं। बेबीज काफ़ी बड़े हो गए हैं, उम्मीद है माँ बाप जो है ना इनको पहचान लेंगे और अपने अपने बच्चों को जो है ना खाना खिला लेंगे खुद ही। ये देखें जी, मुल्तानी शराधी में एक हमारे पास येलो कलर निकला है, इसको येलो कलर कहते हैं, लाइट ब्राउन जो कलर होता है। एक ये देखें, एक ये डार्क ब्राउन सा कलर निकला है। हमारी आंख को क्या हुआ है? हाँ, इसकी आंख पे कोई मौका से निकला है। चलो किसी डॉक्टर साहब से पूछते हैं इसको क्या ड्रॉप्स देने हैं, इस मौके को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये मौका निकलता है बेसिकली मच्छरों के काटने की वजह से। आजकल जो है ना वो मच्छर काफ़ी आ गए हैं। ले जी, तारे हमारे बेबी जो है ना बॉक्स में आ गए और इनको अब जो है ना इनके नए घर में शिफ्ट करते हैं। फाइनली हमारा ये केज फ्री होने वाला है। तुमने इधर रास्ते में ही बैठे रहना है सारी जिंदगी। अच्छा जी, ये जो किंग के बेबी है ना ये तो बड़े हैं, इनको ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, ये चलते फिरते हैं, देखा चल रहे हैं। जो मुल्तानी शरारी के बेबी हैं उनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये वाला खुड्डा हमारा फ्री है, इसके बाहर छोड़ देते हैं। और होमर के बेबीज को भी ऐसे हम बाहर छोड़ देते हैं, इनके माँ बाप इनको खुद खाना खिला लेंगे इंशाल्लाह। वो देखें अपने, और तुम इधर वाले खुड्डे में ना जाओ, सेंट्रल वाले मारेंगे तुम्हें। आ जाओ ओए छोटे बेबीज पे, नहीं चलो इधर चले जाओ। चलो चलो जी, वो देखो यही चीज़ का मेरा डर था। ये बड़े बड़ों के केजेस में जाएंगे ना तो इनको पड़ेगी मार, लेकिन कोई नहीं, इनको कभी तो शिफ्ट करना ही था। अभी दाना डाला नहीं, पिछले दाने के ऊपर ही पार्टी चल रही है फिलहाल। नया दाना ला के इनको डालते हैं। येलो कप है, जो मुर्गियाँ येलो कप को पहचानती हैं ना वो देखें दाना खाने के लिए आ रहे हैं। दौड़ जाओ, अभी तुम्हारा दाना नहीं आया। इनको भी किसी ज़माने में मैं येलो कप से दाना डालता था ना, तो उनको लगता कि हमारा दाना आ गया। आ जा आ जा आ जा, ओ मारेगा मोर तुम्हें, दौड़ जाओ यहाँ से। इतना मजाक नहीं रखा हुआ अपनी टेरिटरी में, वो तुम्हें फड़कने भी नहीं देगा। चलो दौड़ जाओ, अभी डालता हूँ तुम्हें दाना, इतनी फ्री ना हो तुम मेरे साथ अभी। चलो चलो, इसने तो मेरे ऊपर पक्का जंप लगा देनी, इससे पहले कि जंप लगाए हम पिजन केज में चलते हैं। ये जो ब्राउन मुर्गी ना देखें, इसके काम देखें, नज़र रखी बैठी है मेरे पे। आ जाए जी आ जाए, बाहर देखें मुर्गियों का रश लग चुका है, इसलिए मैं इनको पहले नहीं खोलता। आज देखें ना आपको खोल के मैंने डेमो दिए ये बेसिकली क्या करती हैं। अल्लाह करे ये बेबी सारे एडजस्ट हो जाए, इनके माँ बाप इनको खाना वगैरह खिला के सही पाल लें बस। हाँ जी, क्या सीन है तुम्हारा? कबूतरों और मोरों का खाना तो हो गया, इनको भी खाना ला कर इनकी, और हाँ बल्कि ये अब फारिग हो गए ना तो इनको इधर शिफ्ट करते हैं ना, इसीलिए तो इसको फारिग किया कि ये जो है ना यहाँ पे मूव कर सके इनको। ये देखें ज़रा, चलो अच्छा ये वाला दरवाज़ा रुकता नहीं है, हवा की वैसे इधर रुक जा रुक जा। इसको खोल देते हैं, इनके बर्तन उठा के लेके आते हैं,
उनके बर्तन अंदर रखेंगे, उसमें खाना डालेंगे, ये मुर्गियाँ जाएंगी अंदर इधर और हमारा काम हो जाएगा आसान। फिर इन मुर्गियों को उस दरवाजे की तरफ ट्रेन करेंगे कि उसमें जाना स्टार्ट करें। नहीं जी, दाना आ गया इन मुर्गियों का और बुलाने का तरीका इनको यही है कि आप यहाँ आएं और दाना ऐसे डालें और ये देखें, बजाय कि इनको मैं शू करूं कि आ जाओ इस केज में, इसका क्या करें, ये अभी तोड़ना था हमने, चलो इसको बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। ये वाली हम ईंटें फिर भी उठा देते हैं ताकि ये बल्ब को डिस्टर्ब ना करें, तो हम ऐसा करते हैं इनको यहाँ पे उठा के रख देते हैं फिलहाल के लिए नीचे। बल्कि ये जो है ना इनको बाहर ले जाते हैं, ईंटें अंदर ही रहने देते हैं। ठीक हो गया, ये देखें काफ़ी मुर्गियाँ आई हैं, बाकी जो नहीं आ रही वो भी थोड़ी देर में सारों को जो है ना मैं अंदर करता हूँ, भी सफ़र करने का। सांस चढ़ा दिया इन्होंने मुझे, एक एक को पकड़ के बंद किया इसके अंदर, आराम से तो ये जा ही नहीं रही थी, और फिर से हमारी जो एक मुर्गिया असील वाली पकड़ थी, इधर से जंप लगाई उसने इधर, और वो पीछे वो गली में चले गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये भी असील मुर्गी है। तो अब हम बेसिकली जाते हैं इसको लेने। अच्छा, उनका दिल ही नहीं कर रहा था मुर्गियों का, बेसिकली ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मुर्गियों का इस केज के अलावा किसी केज में जाने का। सिर्फ तीन चार मुर्गियां दाने के पीछे अंदर गई थी, बाकियों को एक एक को भाग भाग के पकड़ के अंदर किया मैंने। ऑब्वियसली इनके लिए अभी तरह न्यू है ये वाला सेटअप, तो देखते हैं इनको आदत पड़ती है नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी इनको आदत तो जो है ना वापस उसी केज में डाल लेंगे। उस केज से मैं निकालना सिर्फ इसलिए चाहता था क्योंकि वहाँ ना मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा कम हवा इस केज में से गुजरती है और सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ भी इसी केज में थी, तो आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी मुर्गियाँ बीमार हों, और मैं चाहता था इनको अच्छी हवा की क्रॉसिंग मिले एटलीस्ट गर्मियों में। और दूसरा, यहाँ पे मैं एक फ़ैन लगवाने वाला हूँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आएंगी तो इन सारों को जो है ना हवा मिलेगी अच्छी यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और हमारी सील मुर्गी को पकड़ के लेके आते हैं वापस। लो जी, मैं यहाँ पे आया ही हूँ, यहाँ से मुर्गी ने साथ वाले घर की गली में जो है ना छलांग लगा दिया, अब वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। यार ये तो ऐसे बहुत भगाएगी, अब वापस चलते हैं अपने साथ वाले घर में जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मुर्गी पीछे आपकी गली में आई है, वहाँ से अगर ये दोबारा यहाँ पे इस गली में घुस आई तो सोचे हमारे कितने चक्कर लगेंगे। साथ वाले घर की पूरी गली छान के आया हूँ और फिर उधर से जो है ना ये साथ घर नया बन रहा है, इधर इस लकड़ियों में छुप के बैठी थी, उधर जंप लगाई है, उधर से इस गली में आई है, इधर गली से इस लकड़ियों में जाकर फंस गई है, और ले जी फाइनली पसीनों पसीन हो के सांस चढ़ा के इसको पकड़ ही लिया। तो आज तो बहुत थकावट हो गया भाई, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।